फ्रेंड्स वेलकम टू माय टुडे स्टडी स्टूडियो एंड लुक एक्सरसाइज 8.2 ऑफ मैथ्स विद एनालिटिकल लर्निंग बुक 7th रजिस्ट्रेशन। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें 15 मैन कंप्लीट कर सकते हैं एक वॉल के कंस्ट्रक्शन को 12 डेज में। सो हमने फाइंड करने की कितने डेज में 18 मैन उसको सेम वर्क को कर सकते हैं। सो 15 मैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज एंड फाइंड 18 मैन कंप्लीट वर्क सेम वर्क एक्स डेज। सो यानी कि अगर मैन बढ़ जाते हैं सो जो टाइम लगेगा डेज लगेंगे वो कम लगेंगे। सो हम क्या करेंगे कि जो 15 जो हमारा देखो ये छोटा है यानी एक्स 12 से छोटा है सो हम इस एक्स को ऊपर भेज देंगे 12 नीचे देगा। सो 15 अपॉन 18 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 12। सो एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 18 हो जाएगा। सो 18 15 के साथ कट जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 18 को सबसे पहले हम 12 के साथ कट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 को अब हम 15 के साथ करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5। 2 मल्टीप्लाई 5 10। सो एक्स आ चुका है 10 डेज। ओके सर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो 6 मैन ईट करते 30 स्लाइसेस ब्रेड की एक डे में। सो कितने स्लाइसेस ब्रेड की नीडेड होंगे 15 मैंस के लिए। सो देखो 6 मैन तो देखो 30 स्लाइसेस ईट करते सो 15 मैन उससे ज़्यादा ही खाएंगे। सो 6 एंड 30 15 एंड एक्स। सो 6 अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई 30 अपॉन एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 6 जो कि 6 को 30 के साथ कट कर देंगे 5 आ जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 75 स्लाइसेस। ओके सर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो एक कार्टन है जिसमें 50 ऑरेंजेस है जो कि वेट करते हैं 7.5 ग्राम। सो हमने फाइंड करना है 1000 ऑरेंजेस कितना वेट करेंगे। सो देखो 50 ऑरेंजेस वेज 7.5 किलोग्राम एंड 1000 ऑरेंजेस वेज एक्स। सो ऑरेंजेस 550 अपॉन 1000 वेज 7.5 अपॉन एक्स। अब देखो 7.5 बढ़ जाएगा अगर हमारा वो होगा कि 1000 हम देखेंगे सो हमारा वेट बढ़ जाएगा। सो 50 अपॉन 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई 7.5 अपॉन एक्स। अब जो कि आगे क्या हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 50। सो सबसे पहले हम 0 को 0 के साथ कट कर देंगे 5 को हम 7.5 यहाँ पर आ जाएगा 1.5। सो 1.5 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाता है हो जाता है हमारा 150। ओके सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो एक टैक्सी कवर करती है एक डिस्टेंस को 5 बार्स में किस स्पीड पर 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर। सो अगर जो हमारा स्पीड हो वो है 75 किलोमीटर पर आर। सो हमने टाइम टेकन फाइंड करना है उसी डिस्टेंस को सेम डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। सो टैक्सी कवर्स डिस्टेंस इन 5 आवर 60 किलोमीटर पर आर। सो टाइम इज टेकन इन 75 किलोमीटर पर आर जो कि ले लेंगे हम एक्स। सो टाइम 5 अपॉन एक्स स्पीड 60 अपॉन 75। सो अब देखो अगर यहाँ पर देखो टाइम कम हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि टाइम जो है वो हमारा कम हो जाएगा अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए। सो एक्स अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 60 अपॉन 75। सो 60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 75 75 एंड जो हमारे 5 हैं वो कट जाएंगे 15 यहाँ पर आ जाएगा। 15 को अब हमने 60 के साथ कट कर देना है 4 आ जाएगा। सो 4 आवर्स लगेंगे हमारा 75 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अगर हमने वो डिस्टेंस पर जाना हो। क्वेश्चन में 500 लोग जो हैं वो 75,000 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं। सो अगर जो मतलब कि चीफ मिनिस्टर के लिए फ्लड रिलीफ सो हमने वो उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर को दे दिया फ्लड रिलीफ के लिए। सो क्या कंट्रीब्यूशन होगा 200 स्टूडेंट्स का। सो 500 स्टूडेंट्स कलेक्ट फंड रुपीज़ 75,000 200 स्टूडेंट्स कलेक्ट फंड्स एक्स। सो स्टूडेंट्स एंड फंड सो 500 अपॉन 200 फंड है 75,000 अपॉन एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 75,000 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 500। सो जीरो से जीरोस कट जाएंगी उसके बाद अब 5
को हम 75 के साथ कट कर देंगे, जो क्या देगा 150। सो आगे ये क्या हो जाएगा 200। ओके सर फ्रेंड्स, अब 200 के साथ अगर हम 150 को मल्टीप्लाई करें सो वो आ जाएगा 30,000। सो 200 लोगों ने जो हमारा फंड कलेक्ट किया वो है 30,000। सिक्स क्वेश्चन में, अगर एक ओवरहेड वाटर टैंक है जो कि 8 आवर्स में फिलअप हो सकता है 5 इक्वल कैपेसिटी पम्प्स के साथ जो कि टुगेदर वर्क कर रहे हैं, अगर 4 वैसे पम्प्स हैं सो वो कितने आवर्स में होगा। वाटर टैंक्स फिल्ड बाय 5 पम्प्स इन 8 आवर्स, सो 4 पम्प्स टेक टाइम एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5 × 8/4 जो कि हो जाएगा 40/4 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 10 आवर्स। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन में, एक NCC कैंप है जिसके पास प्रोविजंस है 600 कैडेट्स की 10 डेज के लिए लास्ट करने के लिए, हाउ मैनी कैडेट्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अदर कैंप सो दैट द प्रोविजंस इन द कैंप लास्ट फॉर 15 डेज। सो कितने कैडेट्स दूसरे उसमें ट्रांसफ़र होने चाहिए हमारे बल्ब की कैंप में, ताकि जो हमारे हमारे प्रोविजंस हो कैंप में वो लास्ट करें 15 डेज के लिए। सो अब देखो, 600 कैडेट्स टू लास्ट 10 डेज इन 15 डेज कैडेट्स एक्स, सो कैडेट्स 600/x एंड डेज 10 डेज/15 डेज, x/600 × 10/15 जो कि आप देखो 600 × 10/15 जो कि आ जाएगा 400। सो 600 − 400 जो कि हो जाएगा कितना 200। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल वेट है 50 चेयर्स का, वो है 400 किलोग्राम। सो 12 चेयर्स हैं जो वो वेट करती हैं एक्स, जो कि हमें पता नहीं है। चेयर्स है 50/12, वेट है 400/एक्स जो कि अब देखो 12 × 400/50 हो जाएगा। अब 0 0 के साथ कट हो जाएगा एंड उसके बाद 540 के साथ कट हो जाएगा जो कि आ जाएगा 8। सो 12 × 8 कितना हो जाता है 96। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल वेट है 50 चेयर्स का, वो है 400 किलोग्राम। सो 12 चेयर्स हैं जो वो वेट करती हैं एक्स, जो कि हमें पता नहीं है। चेयर्स है 50/12, वेट है 400/एक्स जो कि अब देखो 12 × 400/50 हो जाएगा। अब 0 0 के साथ कट हो जाएगा एंड उसके बाद 540 के साथ कट हो जाएगा जो कि आ जाएगा 8। सो 12 × 8 कितना देता है 96। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टोटल वेट है 50 चेयर्स का, वो है 400 किलोग्राम। सो 12 चेयर्स हैं जो वो वेट करती हैं एक्स, जो कि हमें पता नहीं है। चेयर्स है 50/12, वेट है 400/एक्स जो कि अब देखो 12 × 400/50 हो जाएगा। अब 0 0 के साथ कट हो जाएगा एंड उसके बाद 540 के साथ कट हो जाएगा जो कि आ जाएगा 8। सो 12 × 8 कितना हो जाता है 96। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन में, जो एक मैन है वो वर्क करता है 10 आवर्स और कंप्लीट करता है एक जॉब को 16 डेज में। अगर वो वर्क करता है 8 आवर्स तो कितने डेज लगेंगे उसको कंप्लीट करने में, यानी जो हमारे डेज होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो 10/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 16/x करना पड़ेगा, यानी x/16 क्योंकि वो ज़्यादा होंगे सो हमें उसको ऊपर लेना पड़ेगा। सो देखो 10 × 16/8, 8 को 16 के साथ कट कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा 2 10 × 2 20। सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 20 डेज। ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अभी मेरा 10th क्वेश्चन है। सो अनिल डिग करता है एक वेल कितने डेज में, 10 डेज में। सुनील डिग करता है 15 डेज में। जो पर्सन डेज है, जैसे कि आप देखो कि कितने डेज में वो दोनों एक साथ होंगे कर सकेंगे, सो हमने वो फाइंड करना है। 1/10 + 1/15 जो कि जगह 3 + 2/30 इज इक्वल टू 5/30 सो आ जाएगा 1/6। सो डेज आ जाएंगे 6। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।